जॉब की जब बात की जाती है तो किसकी बात की जा रही है? सर्विस इंडस्ट्री की। एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली जो प्लैनेट उसको रिप्रेजेंट करता है दैट इज सैटर्न, यानी कि शनि। शनि यानी कि सेवादार, और वो सेवाएं कैसी हों, वो कैसी भी हो सकती हैं। या आप अपने ही कार्य के अंदर सर्विसेज देते हो, कोई आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, या आप किसी के लिए काम करते हो। दोनों ही कंडीशन में जो प्रमुख प्लैनेट, जो मेजर एक प्लैनेट रोल प्ले करता है आपके लिए, दैट इज सैटर्न। क्योंकि सैटर्न जो है वो किसको गवर्न करता है? सर्विस इंडस्ट्री को गवर्न करता है। वास्तु के दृष्टिकोण से जो दिशाएं सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं, या जहां पर कुछ स्पेस प्रोग्रामिंग करने से आपकी सर्विसेज से आपको लाभ मिल जाता है, वो पहली डायरेक्शन है वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन आपके घर के अंदर, आपके भवन के अंदर, वहां पर वास्तु के इम्बैलेंसेस ना होना, पहले हम इस चीज को श्योर करते हैं। वास्तु डायरेक्शन किसकी है? स्पेस एलिमेंट। और स्पेस एलिमेंट दो कंडीशंस पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। पहला, जब अग्नि वहां पर आई हो। अग्नि का स्वरूप किचन हो सकते हैं, लाल रंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहली डायरेक्शन, अगर वेस्ट डायरेक्शन में लाल रंग आया तो होगा क्या? पहला, आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर जॉब मिल भी रही है तो आप जॉब को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, ये चांसेस आपको नजर में आएंगे। ये क्यों ऐसा हो गया? बिकॉज जो कि जॉब की दिशा है एग्जैक्टली, दैट इज वेस्ट। अब एक व्यक्ति को अगर अपनी जॉब के अंदर, कौन सी जॉब चाहिए? गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब चाहिए, यानी कि वो जॉब जिसके अंदर वो सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के साथ जुड़ जाए, उनके साथ कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है? वास्तु की दो दिशाओं को पहले समझिए। एक दिशा होती है नॉर्थ, वो दिशा होती है आपकी जिंदगी में ऐसी सी सिचुएशंस को बनाने के लिए जो सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल स्टेटस को इंप्रूव करें। ईस्ट डायरेक्शन वो किसकी होती है? वो खुद सूर्य की है। और सूर्य क्या है? सूर्य रहता है क्या? सूर्य रहता है आपके लाइफ के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हम अगर इंडिया में रहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है? सूर्य। अब नॉर्थ की दिशा जो कि अपॉर्चुनिटीज को लाने वाली है, ईस्ट की दिशा जो कि सूर्य के साथ जुड़ी है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी है, और तीसरी दिशा जो महत्वपूर्ण है वो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किस चीज की दिशा है? वो दिशा है सहयोग की, यानी कि कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, उस काम के अंदर वो कार्य सफल कैसे हो जाए, उसके लिए वो दिशा है नॉर्थ वेस्ट। अब ये तीन डायरेक्शंस को आपने समझा, प्लैनेट के आधार पे आपने समझा सैटर्न को। पहली इंबैलेंसेस हम कहां करेक्ट करते हैं? सैटर्न की दिशा में, जो कि वेस्ट डायरेक्शन है, ताकि अगर उसके अंदर कोई इंबैलेंस आया है तो आप चाहे खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे किसी जगह पर आप सर्विस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी आ रही। अब तीसरा, गवर्नमेंट रिलेटेड तीन प्रोस्पेक्टिव मैंने आपको बताया। अगर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब चाहिए तो उस कंडीशन में हमारी भारत की सरकार का, या जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, उस कंट्री की गवर्नमेंट को जो चिन्ह रिप्रेजेंट करता है या फ्लैग जो रिप्रेजेंट करता है, उसका उपयोग इन तीन दिशाओं में किया जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम जिस जो आपकी लाइफ के अंदर मनी फ्लो को इंप्रूव करे, वैसा चाहिए, तो आपको क्या करना है? घर की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर गवर्नमेंट का वो चिन्ह जो है वो लगाना है। अगर हम इंडिया की, भारत की बात करते हैं, तो अशोक का पिलर लगाया जा सकता है, हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो लगाया जा सकता है, या सिंपल अगर आप विद दैट इंटेंशन एक रुपए का कॉइन भी रख देते हैं जिसके पीछे अशोक का पिलर बना होता है, वो भी काम करता है। ये किस कंडीशन में है? अगर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड लाभ जो है वो चाहिए, वो जॉब के स्वरूप में भी हो सकता है, अगर आप गवर्नमेंट के टेंडर्स ले रहे हैं उस स्वरूप में भी हो सकता है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए सहयोग अगर चाहिए, यानी कि जैसे आप कोई भी काम करते हो उसमें आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल्स चाहिए या उसमें कोई सहयोग गवर्नमेंट का चाहिए, तो उस कंडीशन में यही फ्लैग या यही अशोक का पिलर का उपयोग कहां किया जाता है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करेंगे तब क्या होगा? गवर्नमेंट आपके काम को लेकर के सपोर्टिव हो जाएगी, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें गवर्नमेंट अपना योगदान इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज होता है, या बहुत सारी चीजें जो
नॉर्मल एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, पर गवर्नमेंट क्या करती है, उन चीजों को अप्रूव करती है, आपका सहयोगी जो है उस वक्त हो जाती है। अब आपके संबंध, चाहे आप गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट आप टेंडर्स गवर्नमेंट के डालते हो वो अप्रूव होते हैं, तो दोनों कंडीशन में गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जिस भी कंट्री में रहते हो उनसे आपके संबंध जो है वो अच्छे रहे, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो वो एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। इस कंडीशन में इन्हीं चिन्हों का उपयोग किस जगह पे करना है, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर स्पेस। तो ये तीन डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। सबसे पहले आपने वेस्ट को करेक्ट किया ताकि आपकी सर्विसेज, चाहे आप दे रहे हो चाहे आप कर रहे हो, तो आपका सर्विस का एरिया ठीक हुआ। फिर उसके बाद गवर्नमेंट रिलेटेड अगर सर्विसेज हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड अगर जॉब हैं, तो ये तीन डायरेक्शंस के अंदर आप जब भी कभी इन चीजों को उपयोग करते हो तो आपको उसके निमित्त जो है वो लाभ हो जाता है।